मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा के कारली हेलीपैड पहुंचे, जहां बस्तर कमिश्नर अमृत खलको, बस्तर आईजी पी सुंदरराज सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचकर दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की माता से दुआ मांगी। मंदिर से सीधे सीएम भूपेश दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कारली में आयोजित मलेरिया मुक्त बस्तर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा, स्थानीय विधायक देवती कर्मा सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में पहुंचकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मेल मुलाकात की और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में मलेरिया जाँच के लिए लगाए गए शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बात की। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने अपने खून की जांच कराई, जिसमें उन्हें मलेरिया नेगेटिव पाया गया। बस्तर मलेरिया उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को मलेरिया से बचने के लिए जागरूक किया। बस्तर संभाग हमेशा से मलेरिया प्रभावित रहा है। यह एनीमिया की वजह मलेरिया ही मानी गई है। यही वजह है कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग 15 जनवरी से मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत बस्तर के 3 लाख घरों तक स्वास्थ्य अमला पहुँचेगा। हर घर के प्रत्येक सदस्य की जांच करेगा और अगर कोई पीड़ित पाया जाता है तो उपचार किया जाएगा, जिससे पूरा बस्तर मलेरिया मुक्त हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मलेरिया से पीड़ित होने पर शरीर के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जिससे एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए यदि मलेरिया का उन्मूलन कर दिया जाए तो एनीमिया और कुपोषण से भी मुक्ति मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण को दूर करने के लिए जून 2019 से हम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चला रहे हैं, जिसे आप सबकी भागीदारी से अच्छी सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान मलेरिया की जांच और उपचार तो हो ही रहा है, यह कोशिश की जानी चाहिए कि मलेरिया को होने नहीं दिया जाए। इसके लिए घर के आसपास सफाई और मच्छर के लार्वा को नष्ट करें। इसके साथ ही सभी लोग मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत डालें। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मलेरिया मुक्त बस्तर बनाने की शपथ दिलाई। मलेरिया की जांच संपूर्ण उपचार कराने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं सभी के साथ मिलकर बस्तर क्षेत्र को मलेरिया मुक्त बनाने में अपनी सशक्त भागीदारी निभाऊंगा। मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर सेल्फी जोन में फोटो भी खिंचवाई और सिग्नेचर जोन में अपने हस्ताक्षर किए। जनवरी में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का यह पहला चरण है। जुलाई और नवंबर में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का दूसरा और तीसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, you decide.